Nice to meet you again. Let's have a fresh start. Let's learn something new in English grammar. It's a very interesting topic, and that is regarding diary writing. Diary, it's like we are keeping a diary. In many of the films also you must have seen, or when you must have been watching CID, at that time also you must have seen, people keep some personal diary with themselves and write about the events. वो events के बारे में उस diary में लिखते हैं, जो date के साथ लिखा जाता है, जो उन्होंने पूरे दिन में किया होता है, जिसे normal वाला habitual work नहीं, लेकिन कुछ special उस दिन क्या हुआ था, उसके बारे में note करके रखने की बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे कि appointments है, कि क्या हुआ पूरे दिन में, उनके साथ में, वो अपने विचारों को लिख कर रखना बहुत ही पसंद करते हैं। तो let's learn about diary, guidelines for writing a diary entry. जब हम लोग diary entry लिखते हैं तो हम लोग किस हिसाब से? The date is mentioned right at the beginning, top left hand corner. यानी यहाँ पे left hand corner पे date लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे example है 22nd October 2020. तो जिस दिन आप लिख रहे हो उसी दिन का डेट आपको टॉप में लिखना है। उसके बाद में यू मे स्टार्ट बाय राइटिंग डियर डायरी। डेट लिखने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, एक लाइन जैसे छोड़ेंगे, और बाद में आप लोग डियर डायरी करके लिखोगे, ठीक है? लीव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द डेट एंड द डियर डायरी। क्लियर एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग मे बी रिकॉर्डेड। यानी ब्रीफ यानी क्लियर, यानी ऐसे नहीं कि कोई समझ ना पाए, जो भी कुछ हुआ है उसको एकदम शॉर्ट में लिखा जाता है। क्लियर एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इज गिविंग रिगार्डिंग द इवेंट, जो जो भी चीजें हुई है उसके बाद। द राइटर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड ऑनेस्टली एंड फ्रेंकली। अभी राइटर के जो विचार होते हैं वो ऑनेस्टली और फ्रेंकली लिखते हैं। जैसे हम लोग खुद के साथ बात करते हैं, हम लोग खुद से कुछ नहीं छुपाते, ऐसे हमारी जो फीलिंग्स हम दूसरे से नहीं शेयर कर सकते हैं, हम उसको लिख देते हैं डायरी। डायरी में कुछ भी रॉन्ग चीज या फॉल्स चीज नहीं लिखी जाती। द आइडियाज एक्सप्रेस आर इन एन इनफॉर्मल स्टाइल एंड मे बी रिटन इन द पैराग्राफ। उसका कोई भी परफेक्ट फॉर्म नहीं है, उसको पैराग्राफ वाइज पे हम लोग अपने लैंग्वेज में इनफॉर्मल वे में लिखा जाता है। फॉर्मल का मतलब होता है कि किसी ऑफिसर को, किसी प्रिंसिपल को या किसी को एड्रेस किया जाता है। अ डायरी इज रिलेटेड समथिंग टू अस, और उसको हम लोग फॉर्मल वे में इनफॉर्मल वे में। सम आइडियाज मे बी रिलेटेड टू द राइटर्स पर्सनल लाइफ। अब जो लिख रहा है उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाता है। Here is a sample of another diary entry written by Tuhia, a little girl who pens down her thoughts and experiences after her grandma's birthday celebration. She also mentions a surprise visit by her uncle who stays in America. Read further and find out more. अभी इसमें से एक एग्जाम्पल है, वो लड़की तुया अपने डायरी में लिख रही है, एक छोटी सी लड़की है जो अपने विचारों को दिखा रही है, बता रही है उसकी ग्रैंडमा के बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में, और उसके अंकल ने उनको विजिट भी किया था उसके बारे में जो अमेरिका में रहते हैं। चलो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मंडे 12 सितंबर 2020, यू कैन ट्राई। अब डियर डायरी, डायरी के बारे में बोलते हैं। आई एम सो हैप्पी, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। यू कैन नॉट इमेजिन What happened today actually? आपको आज कुछ भी नहीं पता चलेगा डायरी कि मैं कितनी खुश हूँ। अब आई एम सो हैप्पी, एक्चुअली आज क्या हुआ, मेरे ग्रैंड मदर का बर्थडे है, और हर साल की तरह भी हम लोगों ने एक केक ली, शाम को हम लोगों ने इवनिंग में केक लिया और हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया। लिटिल डिड वी नो दैट अ बिग सरप्राइज वॉज वेटिंग नॉट ओनली फॉर माई ग्रैनी बट फॉर अस टू। ये जो सरप्राइज थी वो ना सिर्फ मेरे ग्रैंड मदर के लिए थी लेकिन हमारे लिए भी थी। जस्ट एज वी फिनिश विथ कटिंग ऑफ द केक द डोरबेल रैंग। जैसे भी हम लोगों ने केक कट करना ख़त्म किया वैसे डोरबेल बजी। आई ओपन द डोर एंड यू नो वॉट आई सॉ, माई अंकल हु स्टेज इन द USA स्टैंडिंग एट द डोर। अब क्या देखा, जैसे दरवाज़ा खोला वैसे
कि वो अंकल जो यूएसए में रहते हैं अचानक से सरप्राइज दे दिया वो दरवाजे के पास से। तो ये डायरी में दो बात कौन सी बतानी चाहते हैं, वो बात बताने चाहते हैं एक तो ग्रैंड मादर की बर्थडे थी, बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, और दूसरी कि जो उनके अंकल रहते हैं वो यूएसए में, उन्होंने उनको सरप्राइज विजिट दिया। आई शाउटेड विद जॉय, वो एकदम ही खुशी से मारे चिल्लाने लग गई। ही सून जॉइंड अस इन अवर सेलिब्रेशन टू टेल यू द ट्रूथ, द बेस्ट पार्ट फॉर मी वॉज एक्चुअली द गिफ्ट दैट ही हैड ब्रॉट फ्रॉम मी। अभी कभी भी कोई फॉरेन कंट्री से आता है तो कुछ ना कुछ घर वालों के लिए ज़रूर लाता है और वहाँ की चीज़ें हमको पसंद भी बहुत आती है तो वो खुशी के बारे पागल हो जाती है। ही गेव अ वीडियो गेम अ प्ले स्टेशन, और वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है जो गेम्स उसको पसंद थी, एक वीडियो गेम दी थी और एक प्ले स्टेशन दिया था। ओ डायरी आई एम सो हैप्पी, एक डायरी को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे जैसे उसका फ्रेंड है। आई विश एवरी डे वॉज लाइक टूडे, मेरी ये इच्छा है कि ऐसा ही दिन रोज आए। अब हम और एक डायरी एंट्री करेंगे। Now read the diary entry given below. You'll notice how the writer has expressed and shares his observation in an informal way. It is a diary entry by visiting an amusement park with the family. अभी एक family के साथ में एक amusement park में घूमने के बारे में लिखा गया है। अब 25 July 2020 weekend से today I was excited this morning because my parents has planned to take us, that is me and my brother Harish, to the amusement park. यानी वो जो लड़का लिख रहा है वो और उसका भाई जो था हरीश वो अम्यूजमेंट पार्क में जाने वाले थे, इन द सबर्ब्स ऑफ अवर टाउनशिप, हमारे टाउनशिप के पास जाने वाले थे। डैडी टुक वाटर बॉटल्स, अवर कैप्स एंड मामा पैक सम सैंडविचेस। पापा ने वाटर बॉटल लिया, कैप लिया, मम्मी ने सैंडविच पैक की। वेन वी रीच द अम्यूजमेंट पार्क आई वॉज फैसिनेटेड बाई वेरियस राइड्स। अभी अम्यूजमेंट पार्क में क्या होता है, बहुत सारी सुंदर सुंदर सी राइड्स होती है। पहले के अम्यूजमेंट पार्क में क्या होता था, मैरी गो राउंड होता था, फिर जायंट व्हील होता था, आजकल तो टोरा टोरा वगैरह, शिप वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है जो अब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, खूब सारी चीज़ें। Harish also gasped when he saw people shrieking and shouting as they went up and down on the various rides. अब जब rides में अब लोग ऊपर नीचे जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो कैसे किस तरह चीखते चिल्लाते हैं, मज़े भी लेते हैं लेकिन डर भी लगता है, पेट पे भी गुदगुदी होती है। We went on different rides like, अभी अलग अलग राइड्स के नाम दे रहे हैं जिस राइड्स पे गए थे, माय फेयर लेडी, कोलंबस, कप एंड सॉसर राइड। मदर ऑलवेज हेल्ड हरीश, मम्मी हमेशा हरीश को पकड़ के रखती थी हैंड, विच आई डिड नॉट लाइक। अभी मम्मी हमेशा डर के मारे हरीश का हाथ पकड़ लेती थी जो मुझे पसंद नहीं है। डैड मेरा हाथ पकड़ते थे, डैड हेल्ड माई हैंड। एनी वे वी वेंट ऑन द रोलर कोस्टर नेक्स्ट, उसके बाद में ये सारी चीज़ें फेयर लेडी, कोलंबस, कप एंड सॉसर के बाद में रोलर कोस्टर में गए। ओ इट वॉज अमेजिंग, हमारे लिए तो बहुत ही, अभी छोटे बच्चों को तो राइड्स बहुत ही पसंद होती है। समथिंग चर्न इन माई स्टमक, मेरे पेट में गोल गोल सब घूम रहा था। एंड वी ऑल येल्ड व्हेन इट सडनली वेंट अप एंड देन केम डाउन। अभी देखो जब कुछ ऊपर जाता है अचानक से फिर एकदम से नीचे आता है तो पेट में कुछ भी गोल गोल सी फीलिंग होती है। हरीश वॉज नेक्स्ट टू मी एंड क्लच माई हैंड ऑन द रोलर कोस्टर। अभी हरीश भी घबरा गया, उससे वो भी मेरे बाजू में बैठा था तो उसने मेरे हाथ जोरों से पकड़ लिया। आई वॉज इक्वली स्क्वेर्ड सो आई डिड नॉट माइंड। अभी क्या हो गया, वो खुद भी डर गया था, वो बोलता था पहले हाथ पकड़ने के बच्चों की तरह, फिर वो भी खुद डर गया था तो हरीश ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आफ्टर द राइड्स वी हैड आइसक्रीम सैंडविचेस होम मेड, यारे आइसक्रीम तो बाहर से लिया और सैंडविच घर वाली खा रहे थे। बाय एंड ऑफ द डे डैडी वॉज एज एग्जॉस्टेड एज एनी ऑफ अस, मेरे पापा भी बहुत ही थक गए थे हमारी तरह, कि बच्चों का ध्यान रखना, घुमाना फिराना इतना इजी नहीं है। वी ड्रो होम एंड रिलैक्स, हम घर गए और रिलैक्स किया। इन द इवनिंग आई कुड हार्डली वेट टू शेयर माई
एक्सपीरियंस विथ माई बेस्ट फ्रेंड निखिल. अब घर जाए तो हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग का जो भी एक्सपीरियंस है, बढ़िया सा एक्सपीरियंस है, हमको किसके साथ शेयर करना चाहिए? अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में. और वो बेस्ट फ्रेंड था निखिल. ऑन द होल वी हैड अ ग्रेट डे. नाउ आई एम साइनिंग ऑफ. बोला ठीक है, मुझे बहुत 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 खूब सारा मज़ा आया, अब आई एम साइनिंग ऑफ. बस अब मैं थक चुका हूँ और अब मैं बंद कर रहा हूँ लिखने के लिए. तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि डायरी एंट्री में हमारे फीलिंग्स, हमारे दिन में जो भी होता है, शॉर्ट में लिखा जाता है. जैसे इसमें ऐसे नहीं लिखा था कि हम कैसे गए थे, क्या किया, वो सब ने सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क के बारे में जो एन्जॉयमेंट किया था उसके बारे में ही सिर्फ लिखा गया है. ओके डियर चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेन थिंग ऑफ डायरी राइटिंग. यू कैन ऑल्सो कीप अ डायरी. आप एक छोटी डायरी ले लो नोटबुक पे साइज़ की, उसके अंदर ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप ऐसे डायरी एंट्रीज डेली के लिखोगे डेट लिखकर. मे बी इट्स लाइक अ दिवाली असाइनमेंट ही आप सोच लो. एक छोटी सी अच्छी डेकोरेटिव, ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना है, पर तुम्हारे डेली तुम क्या करते हो वो लिख रहा है आपको आपके ओन वर्ड्स में, आपके लैंग्वेज में. एटलीस्ट आप अगर किधर बाहर घूमने जा रहे हो या कुछ दिन में स्पेशल कर रहे हो, अभी भी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो आप नवरात्रि में आपने क्या किया वो भी आप लिख सकते हो. तो एज एन असाइनमेंट आप समझो और एक डायरी मेंटेन करो, एक डायरी बनाओ, बाहर से उसको कवर करो, डेकोरेट करो, माई डायरी लिख दो. डेट लिखना खूब ही ज़रूरी है कि उस दिन आपने क्या किया था, स्पेशल चीज़ और कुछ भी नहीं लिखना है. Okay, bye. Meet you soon.